दुर्ग के शिवनाथ नदी स्थित महामारा घाट में बने इंटेक वेल की एसडीआरएफ की टीम ने की साफ सफाई, साथ ही आपदा प्रबंधन हेतु बचाव दल के कार्य का किया मॉक ड्रिल। दुर्ग जिला एसडीआरएफ टीम द्वारा गुरुवार को दुर्ग के शिवनाथ नदी स्थित महामारा एनीकट में बने दुर्ग नगर निगम एवं भिलाई नगर निगम के इंटेक वेल में फंसे हुए कचरे एवं जलकुंभी को साफ करने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ नदी में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए लगातार बचाव दल कार्य हेतु टीम अपनी निगरानी कर रही है ताकि कोई अप्रिय स्थिति ना हो। वहीं इंटेक वेल की सफाई का कार्य लगातार युद्ध स्तर पर किया जा रहा है ताकि जहां जहां जल प्रदाय का कार्य प्रभावित हुआ है उसको जल्द से जल्द इंटेक वेल को साफ करके शुरू किया जा सके। इसकी जानकारी दुर्ग जिला एसडीआरएफ अधिकारी नागेंद्र सिंह ने मीडिया को देते हुए बताया कि विगत कई वर्षों से वर्षा ऋतु के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। विगत कुछ वर्षों से कुछ दिनों से दुर्ग संभाग में लगातार बारिश हो रही है जिससे नदी नालों का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है और मुंगरा बैराज से कल 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया जिसके चलते शिवनाथ नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है और एनीकट 6 से 7 फीट ऊपर बह रहा है। लोग आ जा रहे हैं तो उनको भी मना किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे 29 लोगों की टीम और 5 बोट के साथ हम पूरी तरह से तैनात हैं। लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं कि नदी से फिलहाल जो है दूर रहें जब तक खतरा नहीं टल जाता और जो भी आवश्यक सामग्री है, आवश्यक साधन है उसको जो अपने पास में रखें और कम से कम जो है पानी की तरफ जाएं। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभालकर इंटेक वेल की सफाई प्रारंभ कर दी है। देखना लाजमी होगा कि ये सफाई कब तक हो पाती है और पानी की सप्लाई कब तक सुचारू हो पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।